ये तो सांड होगी, बहू ना रही सांड होगी, इसको सांड नाम दो, बहू मत दो इसको। 1,00,000 लड़के सुसाइड कर रहे एक साल में, कोई सुनाइए नहीं कहीं पे भी। एक बहू मर जा, दहेज के लोभिया ने मार दी, दहेज के लोभिया ने मार दी। नारी को जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दोगे तो वो बिगड़ जाएगी। और अत्याचार आप बताइए मेरे को, जो आप मुझे थप्पड़ मारे और केस भी मैं ही जाऊँ और जेल भी मैं ही जाऊँ, तो अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है मेरे ऊपर हो रहा है? हमारे सरकार ही बिगड़ गए और गली समाज में बेइज्जती तुम्हारी है ही है। जो बलात्कार के झूठे केस लगा के लड़कियां लाखों उगा रही हैं, लड़कियां शादी करती हैं, कहीं भी उनका ये मतलब नहीं होता कि घर परिवार को संभाले। शादी के पहले दिन से उनका यही मकसद होता है कि पति कुछ बोलेगा उसको दबाएंगे, उससे पैसे ले लेंगे, उसका आशिक आगे उसे फिर घर से भगा लेंगे। आज तक मेरी FIR नहीं लिखी गई है, मुझे कहा गया 156(3) में दी है। मैं 9 फरवरी से 156(3) के चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। की अपराध औरत कर रही है, अपने पति को पीट रही है, यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, कोई मुकदमा भी नहीं करता उसके ऊपर। जज कहता हाँ कोई बात नहीं पिटने दो आप, और लड़की ये बोल दे जी आपने, उसने मेरे को हाथ दिखाया बंदा अंदर। ये हमारे लिए एक यज्ञ है जिसमें हम सब लोग अपनी आहुति दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे ये सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। अभी सब मौजूद है हम लोग जंतर मंतर पर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका पुरुष प्रधान देश में, जहाँ पर आपने ये लाइन सुनी होगी। आपको बताएं कि उसी पुरुष प्रधान देश के आज पुरुष यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज इतनी बड़ी संख्या में पुरुषों को यहाँ पर एकजुट होना पड़ा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी ये बताइए, अभी जो यहाँ पर पुरुष आयोग के लिए ये आयोजन रखा गया है, इसी के लिए आप मौजूद हैं? आप बिल्कुल इसी के लिए मौजूद हूँ, और पुरुष आयोग तो होना ही चाहिए। पुरुषों की कहीं सुनाई नहीं है, महिला थाने में चली जाऊं उनकी तो सारे के सुनाई, और लड़के के माँ बाप की कहीं भी सुनवाई नहीं है। लड़के तो कुत्ते जैसे कर रखे हैं इन्होंने, और ये लड़कियां सिर पर रख दी इन्हें। ये तो सांड होगी, बहू ना रही सांड होगी, इसको सांड नाम दो, बहू मत दो इसको। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि जो पुरुष है वो दब रहा है? ये दब इस तरह रही, इतने सारे लड़के खड़े ये क्यों खड़े हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। इनको बच्चे ने लेकर वे भाग जाए, कहीं इनको बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा। बच्चे ने लिया हो तो इनके ऊपर अपहरण का केस लग गया। ये बाप है कि ये कसाई है? जुडिशरी ने ये के कानून दे दिए, अक्सारे को महिला की सुनी जाएगी, महिला की पुरुष की क्यों नहीं सुनी जाती? जब तक पुरुष की ना सुनी जाएगी ये न्यू पिसते रहेंगे, ये नाली के कीड़े तो भी बदतर है बेचारे। ये रामचरित मानस में लिखा है, महावृष्टि चली फूटी की यारी, जिम स्वतंत्र भाई बिगड़ रही नारी। नारी को जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दोगे तो वो बिगड़ जाएगी, जिस तरह से ज्यादा तेज बारिश होने पर नदी नाले तटबंध तोड़ देते हैं। आज आप लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हो, 5-5 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं, एक के साथ पिक्चर देखने के लिए गई, एक के साथ खाना खाया, एक के साथ में घूमने के लिए गई, एक ने शॉपिंग करा ली। 3-5 साल पढ़ने के बाद आप किसी समाज के एक मूर्ख युवक को पकड़ते हो और बोलते हैं ये तेरा पति, अब 7 हाथ की साड़ी पहन, इसके साथ ही रहे, इसकी सेवा करे। करेगी? ऑप्शन है उसके पास, पहली रात को ही बोल देती है वो तेरे से मजा नहीं आ रहा, मैं तो वो दिनेश अच्छा था, मुकेश अच्छा था, महेश का। ये सच्चाई आपको जानना पड़ेगी, इस सच्चाई को उजागर करना पड़ेगा। प्रश्न ये है, मर्द अपनी तथाकथित इज्जत के कारण बोलना नहीं चाहता। 70% से ज्यादा नई पीढ़ी में जो शादी हो रही है उनके इलीगल रिलेशन है। क्यों? कि आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 497 जो व्यभिचार की धारा थी वो खत्म कर दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना 2018 में कि महिला के शरीर के अधिकारी वो स्वयं है, हर विवाहिता स्त्री एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ अवैध संबंध बना सकती है आज की तारीख में, उसके खिलाफ न किसी थाने पे FIR दर्ज होगी, न ही किसी कोर्ट की औकात है कि उसको जेल भेज दे, और न ही उसके प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज हो सकती है जब वो प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म लगा दे, तो वैवाहिक संबंध, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन तो खत्म हो गया मैडम, क्योंकि हर स्त्री, हर शादीशुदा स्त्री को अनैतिक संबंध, अवैध संबंध बनाने की खुली छूट इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब ऐसी स्थिति में आप बताओ पुरुष कहाँ बचा हुआ है? इस तरीके से आपने अभी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करी है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी जो कानून है उसका दुरुपयोग। यस यस यस, अरिजीत पसायत, माननीय अरिजीत पसायत ने महिला कानूनों के बारे में बोला है, इट इज अ लीगल टेररिज्म, यह कानूनी आतंकवाद है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि महिलाएं दुरुपयोग कर रही है। महिला घर का काम करती है ना, पुरुष आधा काम घर का लेने को तैयार है, लड़की आधी जिम्मेदारी ले कि घर में जो पैसा आता है, घर जो चलाता है, बच्चों की जो परवरिश होती है, उसकी जो कमाई होती है वो आधा वो लेके आएगी, ये क्यों नहीं होता? तो आजकल लिव इन रिलेशन का जनरेशन चल रहा है, यदि लड़का लड़की साथ में रहते हैं और यदि लड़का यदि मुकर जाता है तो लड़की आराम से रेप का केस अटेम्प्ट कर सकती है, मगर यही सेम ऑपोजिट यदि लड़की करती तो लड़के के पास कोई लॉ नहीं है उनके लिए। मैडम छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बाला फुसला का अपना घरेलू हिंसा, दैहिक उत्पीड़न,
पॉक्सो एक्ट, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, मी टू, तीन तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समानता का अधिकार, बहुत कुछ है। मगर मैडम उसी के समकक्ष पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। पुरुषों के पास मैडम केवल अपना बचाव करने के लिए अपना केवल वो पक्ष रख सकता है, वो भी आरोप लगने के बाद। अब तो ये सच उजागर हो चुका है, घर घर की कहानी है। बलात्कार के केसेस में 76% से ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रही। मराइटल रेप लॉ की बातें कर रहे हैं जो कि 200% मिसयूज होगा। ये जो लॉज है वो इतने मिसयूज होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों को जेल में धकेल दिया जाता है। क्या पुरुष की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या पुरुष का कोई सम्मान नहीं है? क्या उसके वैल्यूएबल इयर्स जाने दें हम ऐसे? जैसे विष्णु तिवारी का लेटेस्ट केस आप देखिए, अगले ने 20 साल जेल में काट दिए झूठे बलात्कार के केस पे। क्यों भाई क्यों? उधर महिला तो मर गई जिसने झूठा केस डाला था, उनके माता पिता मर गए, उनके भाई बहन मर गए, सब लोग मर गए। लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे लॉ मेकर साहब की नींद से जाग खुले। वो घोर निद्रा में है, उन्हें पता ही नहीं कि सबका साथ सबका विकास में बेटे भी आते हैं। महिला करते रहेंगे और पुरुषों को भूल जाएंगे, तो कृपया करके एक प्लैनेट बना दीजिए, सारे पुरुषों को मार्स भेज दीजिए, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जो ये बोला जाता है ये महिलाओं के लिए लॉ है, आई डोंट एग्री। जब मुकदमा होता है तो लड़के की माँ भी होती है, बेटी भी होती है, वो भी सफर करती हैं। महिलाओं का नाम यूज करके, उनकी सिंपैथी को यूज करके फेमिनिस्ट खड़ी हैं फैमिलीज तोड़ने के लिए। सर आप बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ हमें इस अवस्था में आने का शौक नहीं है। यहाँ हम धूप में खड़े हैं, यहाँ पसीने में हैं, क्यों आए हुए हैं? अपने परिवार को देखने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। बहू का आना हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एक सपोर्ट होता है, पर आज के टाइम उसको पता नहीं क्या चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक पुरुष प्रधान देश में खड़े हैं, तो इसमें ऐसे में पुरुष आयोग की मांग करना कहां तक सही लगता है? मैडम देखिए, पुरुष प्रधान देश ना कभी था ना कभी है, यहां हमेशा महिलाओं को किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी सुनते भी यही है, किताबों में गलत पढ़ाया जाता है। ये हमेशा से महिलाओं की इज्जत की जाती है, समाज में उनका एक अपना सम्मान है, अपनी जगह है, वो हमेशा से थी और आज भी है, और वो सम्माननीय है, पूजनीय है। लेकिन ये जो कानून बनाए गए, पहले इन्होंने जो ज्वाइंट फैमिली थी उसको तोड़ा, अब न्यूक्लियर फैमिली बनाई, अब ये न्यूक्लियर फैमिली को तोड़ के सिंगल पेरेंटिंग बना रहे हैं, पति पत्नी को भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। जो बलात्कार के झूठे केस लगा के लड़कियां लाखों उगा रही हैं, लड़कियां शादी करती हैं, कहीं भी उनका ये मतलब नहीं होता कि घर परिवार को संभालें। शादी के पहले दिन से उनका यही मकसद होता है कि पति कुछ बोलेगा उसको दबाएंगे, उससे पैसे ले लेंगे। क्या ये महिला नहीं है? अगर इस महिला के आंसू की कोई कीमत नहीं है, क्या इनके आंसू क्या पानी से बने हुए हैं? क्या उसके आंसू का दर्द है? क्या इनका दर्द नहीं है? अगर महिला की बात है तो फिर इनके महिला की बात नहीं है। किस घर में पुरुष नहीं है, किस घर में महिला नहीं है? फिर समाज को पुरुष और महिला के नाम पे बांटना कहाँ तक उचित है? महिलाओं के लिए 1000 फोरम है, पुरुषों के लिए कोई फोरम नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो कानून बनाया है वो गलत है? मैम कानून गलत है, और कानून से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन गलत है। जो हमारी थियोलॉजी है, जो हम सोचते हैं कि एक महिला कभी गलत नहीं हो सकती, पुरुष कभी प्रताड़ित नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती है। पुरुष प्रताड़ित होता है और महिला भी गलत हो सकती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें कहते जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो यहाँ? वो तुम्हारी पत्नी है, उसके पास सारे अधिकार हैं, तुम कहाँ जाओगे? ना थाने में सुनवाई हो रही और कोर्ट में 156(3) में हम चक्कर काटने लग रहे हैं। और इधर से गवाना कोर्ट से मेरे पास नोटिस आ लिया, उसमें उसने मेरे ऊपर जो जो आरोप हो सकते हैं सारे लगा दिए। अब मैम इससे ज़्यादा आप क्या लोगे कि एक महिला कितनी नीचे गिर सकती है, और पुरुष सही होते हुए भी चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। मेरी पत्नी कहती है कि मैंने उसको उसके घर पे जाके जान से मारने की कोशिश करी। मेरा और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए, अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैं फेल हुआ तो मैं वॉलंटरली फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन अगर वो फेल होती है तो उसे भी फांसी की सजा दी जाए। यही होगा जेंडर न्यूट्रल लॉ। मेरे बेटे ने जीवनसाथी.com से शादी करी लड़की से, लड़की 1.5 साल रही, एक बच्चा हो गया, उसके बाद उन दोनों में अनबन हुई, पेरेंट्स लेके गए उसको। पेरेंट्स लेने के बाद 1.5 साल के बाद उसने मेरे पर 376 लगा दिया, बेटे पे 377 लगा दिया, सारी फैमिली पर 490-406 लगा दिया। आज मैं 7 साल से, मैं 19 दिन जेल होके आया हूँ तिहाड़ जेल में, और मैं एविडेंस लेके घूम रहा हूँ ऐसे करके। चोरी करके गई है, चोरी की वीडियो है, एफएसएल में आ गई है रिपोर्ट, पुलिस ने रिकवर नहीं किया, 6 पुलिस वाले के ऊपर FIR के ऑर्डर हो गए टिल टूडे।
आज तक दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं करी। अगर वो लड़की किसी सीनियर अफसर की कंप्लेन कर दे उसके ऊपर सारी कार्रवाई वहीं हेल्ड अप हो जाती है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। 7 साल से 550 से ज्यादा हियरिंग कर चुका हूं मैं, डिफरेंट कोर्ट में, दिल्ली के 6 कोर्टों में मेरा केस चल रहा है। आज मैं जितना परेशान हूँ, क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? क्या ये लॉ इतना बेबस हो गया है कि वो आदमियों की बात ही नहीं सुनता? मैं कोर्ट में खड़े होकर जब ये कह सकता हूँ FTC कोर्ट में कि जज साहब अगर मैंने जरा सा किया हो आपको लगे तो मेरे को सजा मत देना, आप मेरे को फांसी देना, जिससे कि समाज में लगे कि एक ससुर ने अपनी बहू के साथ ऐसे किया। कैन यू बिलीव, इतना बुरा कानून है हिंदुस्तान के अंदर। आज हम बच्चा, मैंने अपना पोता देखे 7 साल हो गए, मैंने नहीं देखा मैडम उसको, मेरी फैमिली ने नहीं देखा। मेरा बेटा जिसका बिजनेस था ऑटोमोबाइल कंसल्टेंसी का, आज वो मतलब भिखारी हो गया है आज। लेकिन उस लड़की को मैं क्या, वो लड़की कहीं घर बसा ले, कहीं घर ले ले, कहीं कुछ कर ले। इस हिंदुस्तान का कानून क्या ये कहता है कि वो आदमी बेबस कुत्ता गधा है? आयोग के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, 56% रेप केसेस आर फॉल्स, अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, बट व्हाट आर डन, नथिंग। तो ये महिलाओं की सिंपैथी को यूज करके दे आर ब्रेकिंग फैमिली एंड इवन महिलाएं सफर कर रही हैं। मैडम इसमें तो देखिए यहाँ पे ना ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे बीच में, समाज के बीच में और मीडिया के बीच में भी, कि हम उनको ऐसा लगता है कि जब भी पुरुष की मांग उठा रहे हैं तो उनको लगता है हम महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम यहाँ पे पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते कि महिला आयोग बंद हो जाए। महिला आयोग रहे, पर पुरुषों के लिए भी एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा आयोग होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के जमाने में जो उत्पीड़न होता है पुरुषों का भी होता है, जो यौन उत्पीड़न भी होता है वो भी पुरुषों का भी होता है, वो कहाँ जाएं? आप ये बताइए कि रेप के केस में क्या किसी महिला को हम अंदर कर सकते हैं? क्या कोई महिला रेप नहीं कर सकती किसी पुरुष का? क्योंकि रेप क्या होता है, किसी के साथ भी जबरदस्ती करना, मानसिक तरीके से कर लीजिए आप किसी पे दबाव बना दिए। तो आज के ज़माने में कोई ऐसी तो बात है नहीं कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हो रहा है, पर कानून कहाँ है? तो हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के आप कानून ख़त्म कर दीजिए, आप उनको या तो जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए। अब अपराधी तो अपराधी रहेगा ना मैम, अगर हम देखिए महिलाओं का उत्थान तभी होगा जब वो बराबरी पे आएंगी। और ये लॉज क्या कर रहा है, महिलाओं को दोबारा उनको कह रहे कि नहीं, ये बेचारी थी और बेचारी हैं और बेचारी रहेंगी। तो ये जो नजरिया है ये हमें कानून को भी बदलना पड़ेगा और हमें भी बदलना पड़ेगा। जहाँ पर आपने सभी तर्कों को सुना कि किस प्रकार से पुरुषों ने हमें बताया, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जहाँ पर #MeToo देखा जाता है, #WomenEmpowerment देखा जाता है, #JusticeForWomen देखा जाता है, लेकिन अभी मौजूद पुरुषों को ऐसा लगता है कि शायद जो ये सुविधाएं हैं उनका महिलाएं ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं या फिर उनका लाभ उठा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आखिर यही बनता है कि आखिर मिनटो में होने वाले जो बलात्कार के मामले होते हैं उन्हें कौन सा पुरुष समाज अंजाम देता है, या फिर यात्रा के दौरान जो होने वाली छेड़छाड़ होती है उन्हें आज का कौन सा पुरुष प्रधान समाज है जो अंजाम देता है? ये सवालात है जो काफी जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजे के साथ, झलको इंडिया।